हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उज्ज्वल चित्रांश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है चित्रांश कॉमर्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के सारे टेक्निक सिखा दिए थे, अब हमारा जो है टॉपिक वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। बुक में आप लोगों को सारे तरह के लैंग्वेज मिलेंगे, लेकिन मैंने पूरे कंडीशन को एकदम इजी वे में, क्योंकि मैं वीडियो जो बना रहा हूं आपके सारे क्वेश्चंस को, सारे चैप्टर्स को मैं एक सिंपल ट्रिक से सिखाऊंगा जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाए। तो ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे जितने भी प्रोविजन होते हैं वो सारे हमने देखिए एक छोटे से पॉइंट में नोट कर दिए हैं। आपको बुक में हर जगह मिलेगा, तो आपको स्टेटमेंट में लिखकर मिलेगा जिसको आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, लेकिन यहां पर आप इसे पूरे इजी वे में एकदम अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के किस टाइप के कंडीशंस आते हैं, पहले हम ये कंडीशंस देखते हैं। तो मैंने यहां पर केसेस लिखे हैं सारे, और एक साइड में हम उनके प्रोविजंस बताएंगे कि हम किस तरह से इनके प्रोविजंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, कि हमारा जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में हमने क्या लिखा है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। सो पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट मींस व्हाट, कि हमारे पास क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो डाटा दिया हुआ है वो क्वेश्चन में साइलेंट है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दिया है, वो कहा है क्वेश्चन में कि साइलेंट है। और जब भी क्वेश्चन में साइलेंट कह देगा तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रोविजन जो होगा उस पर क्या होगा, नो इंटरेस्ट। देखिए मैंने क्रॉस किया है ना, क्रॉस मतलब मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया नो इंटरेस्ट। नो इंटरेस्ट मींस यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज किया जाएगा, ठीक। सेकेंड नंबर एडजस्टमेंट हमारा जो है लिखा मैंने इनकेस ऑफ लॉस। इनकेस ऑफ लॉस मतलब क्या हुआ, कि फर्म को अगर लॉस हो गया तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया जाएगा। तो अब आप खुद बताइए, अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो फिर वो पार्टनर को उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट कैसे देगी, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट हम किसी को कब देते हैं, कि जब हमें प्रॉफिट होगा। अगर बिजनेस को प्रॉफिट ही नहीं होता है तो पार्टनर को इंटरेस्ट कहां से देगी फर्म। तो यही कंडीशन है कि इन केस ऑफ लॉस, कि अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में भी फर्म क्या करती है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। तो देखिए मैंने यहां पर भी मेंशन कर दिया क्रॉस नो इंटरेस्ट, क्लियर। फिर देखिए थर्ड केस, ठीक है। थर्ड केस क्या है, प्रॉफिट। अब देखिए पूरा स्टेटमेंट आपको मिलेगा बुक में, मैंने एकदम सिंपल वर्ड में लिख दिया है, प्रॉफिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन। सभी को क्लियर है ये चीजें। तो प्रॉफिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब किसका इंटरेस्ट, जो टॉपिक हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो अगर प्रॉफिट जो है बिजनेस का, वो प्रॉफिट जो हुआ है फर्म में हमारे, वो प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या हो, ज्यादा हो या फिर उस इंटरेस्ट के बराबर हो, इक्वल। तो यहां पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू अगर है तो क्या करते हैं, देखिए मैंने एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा है, टिक करके मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे, क्रॉस क्रॉस मतलब नहीं देंगे, टिक है मतलब कि देंगे, लेकिन कितना। तो देखिए मैंने लिखा है फुल इंटरेस्ट। फुल इंटरेस्ट में जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का बनता है वो पूरा इंटरेस्ट हम पार्टनर को दे देंगे, कोई इसमें कंडीशन नहीं आएगी, ठीक। अभी हम सभी का क्वेश्चन यहां पर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, सारे केसेस से आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फिर फोर्थ कंडीशन हमारा देखिए क्या कहता है, प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट, मतलब कि प्रॉफिट जो हुआ है वो कम हुआ है और इंटरेस्ट ज्यादा है। प्रॉफिट हुआ है फर्म को लेकिन कम हुआ है, जैसे कि होता है ना कि पार्टनर को इंटरेस्ट देना हुआ फॉर एग्जांपल 10 रुपए और आपको फर्म में प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ 5 रुपए का, ठीक है। तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, देना 10 रुपए, तो कहां से देगी फर्म। तो आप क्या कहेंगे, तो फर्म यही कहती है ना कि देखो मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ और तुम्हें देना है कितना, 10 रुपए। तो अब हम क्या करें बताइए। तो हमारे पास तो एक ही ऑप्शन बचा ना, कि जितना हमारे पास प्रॉफिट हुआ है भैया पूरा ले लीजिए, यही कह सकती है ना फर्म, इसके अलावा तो और कोई चारा नहीं है। तो क्या हुआ कंडीशन में, कि जितना प्रॉफिट हुआ वो पूरा प्रॉफिट क्या हुआ, फर्म ने पार्टनर को एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो देखिए मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा है, टिक करके मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो जरूर दिया जाएगा। लेकिन देखिए मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है, फुल प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फुल प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मींस पूरा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा, ले जाओ पूरा प्रॉफिट अपना इंटरेस्ट रख लो, ठीक। लेकिन एक पॉइंट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट से कम आएगा तो ऐसे कंडीशन में जो भी फर्म का रेशियो पार्टनर का होता है आपको डिवाइड करना, मैंने सिखाया है अपने ऑलरेडी वीडियोस में कि जिस रेशियो में उसी रेशियो में तो डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट से कम आता है तो
ऐसे कंडीशन में हमारा रेशियो चेंज हो जाता है। तो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो देखिए मैंने यहां पर मेंशन किया इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो एक्चुअली में ए और बी यानी जो भी पार्टनर फर्म में है उनका जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आया होगा उसी अमाउंट को हम रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे और उस रेशियो से फिर हम उस प्रॉफिट को डिवाइड करके पार्टनर को दे देंगे। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आपको एकदम इजी वे में सॉल्व करके दिखाएंगे, आपको टॉपिक जरूर क्लियर होगा, बस आप ध्यान से देखते रहिए। लास्ट केस है, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट एज अ चार्ज। इंटरेस्ट एज अ चार्ज का मतलब क्या है कि अगर फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो पार्टनर को इससे कोई मतलब नहीं, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, चाहे फर्म लॉस में जाए चाहे प्रॉफिट में जाए उससे कोई मतलब नहीं। अगर क्वेश्चन में लिख दिया इवन और वेदर इट इज इन्वॉल्व इंटरेस्ट एज अ चार्ज, देखिए मैंने यहां पर एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है टिक करके कि अगर चार्ज आता है क्वेश्चन में तो फुल इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन फुल इंटरेस्ट के साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा इवन और वेदर इट इज इन्वॉल्व, ठीक है, तो यहां पर कंडीशन हमारा आ जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा या हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। तो अगर चार्ज आ गया तो पूरा हम प्रॉफिट पूरा इंटरेस्ट देंगे चाहे लॉस हुआ चाहे प्रॉफिट हुआ, ये भी क्वेश्चन हम पांचों कंडीशन पे आपको सॉल्व करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, बस आप रेगुलर देखते चलिए। अब यहां पर हम आते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन आपको बुक में पेज नंबर 2.55 पर मिल जाएगा, ठीक है, पेज नंबर 2.55 पर आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं, और ये है इलस्ट्रेशन नंबर 35, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 35 है। पूरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो एक फर्म में ए और बी पार्टनर हैं, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2 के हैं। अब यहां पर आगे चलते हैं क्वेश्चन में, फिर लिखा है आगे क्वेश्चन में कि विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली, मतलब इनकी कैपिटल कितनी है 2 लाख और 1 लाख की इनकी कैपिटल हो गई, तो 2 लाख ए की है 1 लाख बी की कैपिटल है। फिर कह रहा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस मतलब इन सारे केसेस में हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम इस केसेस जो है स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलते हैं, इसी में आपको बता देंगे, देखिएगा सारे केसेस इसी में हम बता देंगे, एकदम इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। और देखिए मैंने एक और चीज साइड में लिखा है यहां पे, इसका मीन क्या है कि जब भी हमारे पास फर्म में क्वेश्चन में प्रॉफिट होता है तो हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि वहीं पे तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते हैं, लेकिन अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देना है, तो ऐसे कंडीशन में हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं पीएल अकाउंट, मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए जैसे कि यहां पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, तो यानी पूरा इंटरेस्ट हमें दे देना है पार्टनर को, तो पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे ना, तो कहां देते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर देखिए इन केस ऑफ लॉस, लॉस एक कंडीशन में भी नो इंटरेस्ट, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना है हमें, तो पूरा पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा पीएल अकाउंट में, ठीक है, इन केस ऑफ लॉस, क्योंकि लॉस की कंडीशन आया। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रॉफिट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट, ठीक है, तो प्रॉफिट इज ग्रेटर देन में क्या हो जाएगा, तो यानी प्रॉफिट हुआ है फर्म में तो क्या हो गया पीएल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट, तो प्रॉफिट तो हो रहा है तो फिर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इंटरेस्ट एज अ चार्ज कह दिया अगर, और अगर क्वेश्चन में लॉस आ गया तो फिर क्या बनाएंगे पीएल अकाउंट, और प्रॉफिट हो गया तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एक स्टेप था, अब यहां पर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक केस को आपको बताते चलेंगे और यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप से, ठीक है। फर्स्ट केस हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट As to the interest on capital, ठीक है, मतलब if the partnership deed is silent as to the interest on capital, ये हो गया, and the profit for the year rupees 50,000, profit कितना हुआ है 50,000, तो यहां पर partnership deed क्या है silent है, पहला केस आ गया ना, और profit कितना हो रहा है क्वेश्चन में, यहां पर हम एक कॉर्नर पर नोट कर देंगे profit हो रहा है हमारे क्वेश्चन में 50,000, तो अगर फर्म को profit 50,000 हुआ है तो कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो अगर साइलेंट है तो क्या हुआ, सबसे पहले नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, और हमारे पास देखिए इस केस में इंटरेस्ट रेट दिया भी नहीं है, इंटरेस्ट रेट अगर दिया होता तो उसकी कंडीशन अलग होती, फिर हम चार्ज करते, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट रेट भी नहीं दिया है, साइलेंट भी कह दिया है, तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं देंगे, और कौन सा अकाउंट बनाएंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो तुरंत इस तरह से देखिए स्टेप हमारा तुरंत हो जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे
और यहां पर आपको पता है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी हमारा ईयर क्वेश्चन में होगा वो नोट कर देते हैं, ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। यहां पर हमने तुरंत अपना फॉर्मेट बनाया, ठीक है, यहां पर हो गया डेबिट साइड और इधर हो गया हमारा क्रेडिट साइड। अब इसके से क्या करना है, सीधे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना नहीं है, और प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट किधर दिखाते हैं, आपको पहले बताया जा चुका है कि डेबिट क्रेडिट साइड में आएंगे हम और लिखेंगे क्या, बाई पीएल अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में हमने मेंशन कर दिया कि ये क्या है, फर्म के लिए प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट हुआ है 50,000, तो हमने तुरंत यहां पर 50,000 लिख दिया, ठीक। अब इसके वास्ते पीएल अप्रोप्रिएशन का पैसा कहां ट्रांसफर होता है, तो आप तुरंत याद आ जाएगा, मेरी वीडियोस देखा है तो, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है, डिपेंड्स ऑन कैपिटल कि फिक्स्ड है या फिर करंट है। तो यहां पर हमने नोट कर दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर इंटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। कितने पार्टनर हैं, दो पार्टनर ए एंड बी, तो यहां पर ए और बी मेंशन हो गया, और यही 50,000 का प्रॉफिट दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए अब कैसे फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो यानी डिनोमिनेटर इन दोनों के कितने आएंगे, 5 ही तो आएंगे। बिना पेन पेंसिल उठाए आप माइंड में कैलकुलेशन करिएगा, 5 से तुरंत 50,000 को डिवाइड करिए, आंसर आएगा 10,000, और 10,000 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो ए के लिए वैल्यू आ जाएगी 30,000, और 10,000 का 2 में मल्टीप्लाई किए तो बी के लिए वैल्यू आ जाएगी 20,000, द टोटल अमाउंट इज रुपीज 50,000, और फिर यहां पर हमने क्या कर दिया, दोनों साइड हमारा इक्वल आ गया, ठीक है ना। अब ये 50,000 इधर भी हो गया, ये 50,000 इधर भी आ गया, क्वेश्चन खत्म। एकदम इजी वे में लगाएंगे क्वेश्चन, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। ये हमारा था केस नंबर फर्स्ट, जबकि हमारा केस क्या हो, साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ये कंडीशन हो गई। अब हम आते हैं दूसरे कंडीशन पे, सेम एज इट इज हमारा दूसरा कंडीशन कह रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप हम सारे कंडीशन को आपको दिखाते चलेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, इन केस ऑफ लॉस का कंडीशन है, तो हमारा देखिए केस क्या कहा है, केस कहा है बुक में इफ द पार्टनरशिप डीड, यहां पर देख लेते हैं हम, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। देखिए यहां पर परसेंटेज दिया गया, साइलेंट वाले में परसेंटेज नहीं दिया था, ठीक है, अगर दिया रहता तो फिर निकाल लेते, लेकिन नहीं दिया है ना परसेंटेज, और साइलेंट कह दिया दोनों, तो फिर नहीं देंगे। यहां पर देखिए कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द लॉसेस फॉर द ईयर, लॉसेस फॉर द ईयर रुपीज 50,000, यानी कि हमारा लॉस फॉर द ईयर हो गया है 50,000। तो अब यहां पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए स्टेप, बहुत इजी है, एकदम इजी है, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बस आप रेगुलर अपडेट देखते रहिए। और हाँ, अगर आपको मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करनी है तो वो भी हमारी कंटिन्यू हो चुकी हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर हमारा वीडियो में आपको मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में। तो अब हमारा यहाँ पर सेकंड केस आता है, तो सेकंड केस में कहा इन केस ऑफ लॉस, लॉस कितने का हुआ है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि 50,000 का लॉस हुआ है, तो यहां पर देखिए, अब यहां पर प्रॉफिट ना देखिए, क्या दे दिया क्वेश्चन में, 50,000 का लॉस दे दिया है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दिया है क्वेश्चन में, 8% दिया हुआ है, इसको हम यहां लिख लिए, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि लॉस तो दे दिया है, तो लॉस की दो कंडीशन, एक तो ये हो गया और एक होता है एज अ चार्ज। तो क्या मैंने क्वेश्चन पढ़ा है तो कहीं भी ऐसा आया है कि वेदर इट इज इन्वॉल्व या इवन इट इज इन्वॉल्व प्रॉफिट और लॉस, नहीं आया केस में, आप बुक में देखिएगा, कुछ नहीं आया, सिर्फ क्या कह दिया, लॉस। तो भले ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में दिया हो, तुरंत आप श्योर हो जाइए कि यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, तो अकाउंट कौन सा बनेगा, तो यहां पर आपको तुरंत सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, कि यहां पर इनकेस ऑफ लॉस आए तो कौन सा अकाउंट बनेगा, पीएल अकाउंट, तो तुरंत वही सेम प्रोसेस आएगा, पीएल अकाउंट, यहां पर पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं, अकाउंट क्यों होगा पता चुका है, ये हो गया फॉर द ईयर एंडिंग। फिर आएंगे स्टेप पे अपने, और स्टेप क्या होगा, क्रेडिट साइड, ये हो गया डेबिट साइड, क्या हो जाएगा लॉस, अब प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में नोट करते हैं, ठीक है, लॉस हुआ तो कहेंगे तुरंत आप डेबिट साइड में सर आ जाइए, तो इधर आ जाएंगे टू, क्या लिख देंगे, पीएल अकाउंट, और ब्रैकेट में मेंशन कर दिया हमने कि लॉस हुआ है, लॉस फॉर द ईयर, लॉस कितना हुआ है 50,000 का लॉस हुआ है, तो ये 50,000 हमने इधर नोट कर दिया। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना नहीं है, तो यही लॉस क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो क्या लिखेंगे, बाई लॉस ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए है बी है, कितना डिवाइड होगा, यही 50,000, तो क्या आएगा, यही 5 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, मीन्स 30,000, 20,000,
थाउजेंड, फिफ्टी थाउजेंड, और ये हो गया फिर नीचे इधर इक्वल। क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। बस आपको केस को पहचानना है, इस सारे केस को आप अपने एक कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा फिर बताइएगा। ये हमारा सेकेंड नंबर केस था जो सॉल्व हो गया। अब आएंगे हम अपने नेक्स्ट थर्ड नंबर केस के ऊपर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप बस देखते चलिए, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में क्वेश्चन को। किसी को भी दिक्कत होगा तो तुरंत बताना है कमेंट में, या फिर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अब आते हैं केस नंबर थर्ड पे। थर्ड नंबर केस क्या कह रहा है, प्रॉफिट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट। तो अभी तक तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हुआ था, लेकिन अब यानी ये वाला केस आएगा क्वेश्चन में। तो ये तो हमारा लॉस लिखे है ना, यानी क्वेश्चन में अब देखते हैं क्या आता है, इसको पहले इरेज कर लिया जाए। तो क्वेश्चन हमारा है, अब ध्यान से देख लेते हैं, थर्ड नंबर केस है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, यहां तक लाइन सेम है, एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर रुपीज 50,000, ठीक है। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर दिया है, मींस 50,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले यानी यहां समझ जाएंगे कि क्वेश्चन में हमारे आया है प्रॉफिट 50,000 का, ठीक है, 50,000 का प्रॉफिट हुआ। अब कंपेयर करना पड़ेगा ना कि प्रॉफिट तो 50,000 आ गया, लेकिन पता नहीं इंटरेस्ट से ज्यादा है या फिर कम है, पता नहीं ये थर्ड वाला है कि फोर्थ वाला केस है। तो पहले चेक करना है कंडीशन, किस तरह से चेक होगा। सबसे पहले आप यहां पर लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, किसके किसके लिए, ए के लिए और बी के लिए। कैसे कैलकुलेट होगा, ऑलरेडी बताया जा चुका है, सिर्फ हमारे पास अमाउंट दिया है ये कैपिटल का 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 8%, तो 8/100, और इसके लिए है, सॉरी इसका हाँ 2 लाख है और इसके लिए 1 लाख है, ये हो गया 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 8/100। चलिए तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, ये देखिए तुरंत सॉल्व होगा, 8 2 16,000 और 8 1 8,000, यानी ए के लिए आया कितना 16,000 और बी के लिए आया 8,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ, तो तुरंत ऐड करके बताएगा, तो 16 हो गया आपका 24,000, ठीक है, 24,000 आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कौन सा अकाउंट बनेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। कैसे चेक किया, देखिए प्रॉफिट कितना हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, देखिए 50,000 का प्रॉफिट है और 24,000 इंटरेस्ट है, तो तुरंत आपने समझ गया यही केस आया, क्योंकि 50,000 है और 24,000 है तो प्रॉफिट तो ज्यादा आया। तो तुरंत क्या बनाएंगे हम, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारा वर्किंग नोट है, ये लास्ट में शो करते हैं। फिर यहां पर फॉर्मेट ऑलरेडी आपको क्लियर हो चुका है, अब यहां पर स्टेप क्या होगा, थोड़ा छोटा पड़ जाएगा स्पेस, मैं इसे इरेज कर देता हूं, आपने देख लिया है, इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 16 and 8,000 आया है, 16 8,000 हमारा ए के लिए और बी के लिए आया, इसे हम एक जगह पे नोट कर लेते हैं कि 16,000 आया था ए के लिए और बी के लिए आया था 8,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, पूरा आपको पता है ऑलरेडी, मुझसे अच्छे से पता हो गया होगा आपको, ठीक। क्या बनाएंगे सबसे पहले, प्रॉफिट, प्रॉफिट किधर दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आएंगे और इधर लिख देंगे बाई पीएल अकाउंट का क्या है, ये प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है 50,000, ये हो गया प्रॉफिट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो याद होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट, इधर आ जाएंगे लिखेंगे क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए बी के लिए, ए के लिए आया है 16,000 और बी के लिए था 8,000, द टोटल इज 24,000 हो गया। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर, इधर ही तो पैसा कम पड़ रहा है, तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स अगर मेरा लास्ट वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, जितने अभी तक मैंने सीरीज में वीडियो बनाया लेक्चर नंबर के साथ नोट है, तो उसे पहले आप देख लीजिएगा, तो आपको ये सब प्रोसेस गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं दिक्कत होने वाला है। अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो हो सकता है आप समझेंगे कि फिर ये कैसे हो रहा है, फॉर्मेट कैसे बन रहा है, तो पहले फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट, लगाने का पूरा प्रोसेस एकदम सीरीज में मैंने वीडियो आपके लिए बनाया, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ध्यान से सारे वीडियो को सीरीज में देखिएगा, ए एंड बी, ठीक है, फिर यहां पे कर देंगे टोटल। अब देखते हैं 50,000 टोटल हमारा आना चाहिए, यही 50,000 आना चाहिए सब में दोनों साइड में, लेकिन कम कितना पड़ा, तो 50,000 माइनस 24,000 द डिफरेंस अमाउंट इज 26,000, तुरंत आपने कहा डिफरेंस आया 26,000, ये वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे, तुरंत 26,000 को हम यहां पर एक पहले लिखे 26,000 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, सबसे पहले 5,
5 से डिवाइड किया, वैल्यू आ जाएगा 5, 5 जा 25, 0 कटा 5, 2 जा 10, डबल 0 डबल 5200 आ गया। और 5200 का मल्टीप्लाई 3 में, 5200 मल्टीप्लाई 2 में करके ए और बी में दिखा दीजिए, काम खत्म। क्या होगा 5200 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, तो ये देखिए डबल 0 तो ऐसे ही हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 3 5 जा 5, 3 जा 15600, 2 से करेंगे तो डबल 0 यही हो गया और 2 2 जा 4 हो गया और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 10400 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस खत्म, लग गया हमारा ये क्वेश्चन। कौन सा केस था हमारा? थर्ड नंबर केस, ठीक है, ये केस नंबर हमारा थर्ड था जो कि प्रॉफिट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट पर बेस्ड था। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, सभी चीजों को पॉज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट करना होगा जो भी प्रोसेस है। यहां पर सारे प्रोसेस आपको हम एकदम इजी और जो एकदम सिंपल ट्रिक हमारी है जिसके थ्रू हम आपको एकदम सारे क्वेश्चन इजी वे में समझाते हैं, आपको बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम होने वाला है। अब यहां पर हमारा नेक्स्ट केस आएगा, केस नंबर 4, और केस नंबर 4 हमारा क्या कहता है क्वेश्चन में कि जब हमारा प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट होगा, तो प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट है तो अकाउंट कौन सा बनेगा? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो तुरंत हमें पता चल गया अकाउंट तो पीएल अप्रोप्रिएशन का बनेगा भैया, अब क्या हो जाएगा क्रेडिट और यहां हो जाएगा डेबिट। ठीक, सबसे पहला काम क्या करेंगे, केस तो पढ़ लिया जाए, केस क्या कह रहा है, केस नंबर 4 नंबर केस का है, इफ द पार्टनरशिप डीड provides for interest on capital at the rate of 8%, तो 8% अगर है यानी इंटरेस्ट तो दोनों में यही आएगा, फिर से सेम 16,000 ए में और बी में 8,000। आगे बढ़ते हैं, एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 15,000, 15,000 रुपए का सिर्फ प्रॉफिट हुआ, तो ये जो प्रॉफिट है ये हो गया 15,000 का प्रॉफिट। तो अब चेक कर लिया जाए, चेक करने की जरूरत है, 16 और 8 हो गया 24,000, इंटरेस्ट दोनों पार्टनर का मिलाकर आया है 24,000, ठीक है, और प्रॉफिट हुआ है 15,000, तो देखते ही तो कह दिया यही पॉइंट है, केस हमारा ये वाला आ गया। तो चलिए अब ध्यान से इस केस को समझिएगा क्योंकि यहां पर आएगा आपको कैलकुलेशन का पॉइंट। क्या करना है, सबसे पहले हमको यहां पर बाई पीएल अकाउंट का प्रॉफिट नोट कर देना है, ज्यादा हो चाहे कम हो प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, 15,000 नोट कर दिया 15,000। अब क्या होगा स्टेप, तुरंत देखिए आपको क्या करना है, इंटरेस्ट देना है, तो इधर हमने आया लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन रुकना है, क्या देखना है क्वेश्चन में हमें, 16 और 8,000 है ये तो बहुत ज्यादा हो गया है इंटरेस्ट, प्रॉफिट तो बहुत कम हुआ है, कहां से दें, तो फर्म क्या कहेगी, जितना हुआ है भैया वही ले लो, तो 15,000 का प्रॉफिट हुआ है, पार्टनर को देना है 24,000, कहां से देगी, तो 15,000 ही रख लो तुम एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जाओ आपस में बांट लो। तो ए और बी कहेंगे और रेशियो में बांटा जाए, तो रेशियो में नहीं बांटा जाए, केस क्या कहता है कि फुल प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन ये देखिए ए और बी है, फुल प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही पूरा 15,000 इनका आ जाएगा, लेकिन डिवाइड होगा इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल वैल्यू था उसी रेशियो में इनको मिलेगा, क्योंकि इस तरह से किया जाएगा तो कम ज्यादा हो जाएगा, तो ए और बी बोलेंगे ना कि जितना जितना हम लोग का हिस्सा बनता है इंटरेस्ट में एक्चुअली उसी रेशियो में इसको बांटा जाए, तभी तो एक्चुअल पता चलेगा। तो 16,000 और 8,000 का रेशियो बना लीजिए, तो ये देखिए 16,000 है और 8,000 है, अगर इसका रेशियो बनाना हो कुछ सोचने की जरूरत है, ये देखिए तीनों जीरो गया, 8 1 8 8 2 16, द रेशियो इज 2:1, तो 2:1 के रेशियो में ये डिवाइड हो जाएगा, 2:1 के रेशियो में 15,000 डिवाइड हो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो बना है वो बना है 2:1। अब 15,000 को तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिए 2 और 1 दोनों का डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 3, और 3 5 जा क्या होता है 15, तो 5,000 आया और 5,000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 में, तो 10,000 हो गया ए के लिए और 1 में कर दीजिए तो 5,000 हो जाएगा बी के लिए, दोनों का मिला के 15,000 और जाओ घर, तो हो गया बराबर। ठीक है, बंद कर दीजिए क्वेश्चन, खत्म, सॉल्व हो गया ना केस, इजी बन रहा है आपके लिए होगा क्वेश्चन, आप देखिएगा जब आप बुक देखेंगे क्वेश्चन को और पूरा एकदम जो केस लिखा हुआ है उसको कितना इजी वे में मैंने इस चीज को आपको बताया है, जब आप क्लासेस करेंगे तब तो आपको फिर कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ जाएंगे, बस रेगुलर अपडेट आप देखते रहिए। अब ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फोर्थ नंबर केस, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया।
अब आएंगे अपने क्वेश्चन के लास्ट केस पर। यहां पर आएगा अब हमारा इंटरेस्ट एज अ चार्ज, कि अब हम इंटरेस्ट को एज अ चार्ज ट्रीट करते हैं और ये कंडीशन कैसे होती है ध्यान से समझना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या कह रहा है, पहले हम लोग केस पढ़ लिया जाए। केस कह रहा है, केस नंबर 5 लास्ट, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम आया 8,000 जैसे दिन का था। आगे एक लाइन यूज कर रहा है, बुक देखिएगा आप लोग, बुक ले चुके होंगे आप लोग, नहीं लिए होंगे तो बताइएगा। इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस एंड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, बुक नहीं लिए तो पीडीएफ में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप करिएगा। तो यहां पर देखिए एक वर्ड आ गया 8% पर एनम, कहा जिस तरह सभी क्वेश्चन में था, इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, मतलब अगर फर्म को लॉस होता है, इवन वाला वर्ड जो मैंने कहा, इवन या वेदर दोनों में से एक वर्ड आएगा, तो इवन और वेदर इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, अगर फर्म को लॉस भी होता है तो पूरा इंटरेस्ट देना है आपको, लेकिन फर्म को हो क्या रहा है, फर्म को हो रहा है प्रॉफिट 15,000 का, ठीक है, फर्म को हुआ है प्रॉफिट 15,000 का। तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है ना, चाहे ये लॉस हो या फिर ये प्रॉफिट हो, केस चाहे कोई भी हो, अगर इवन और वेदर कह दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल देना है। देखिए मैंने लिखा है फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंट कौन सा बनेगा, पीएल अकाउंट, तो तुरंत चलते हैं पीएल अकाउंट बना दिया, फॉर्मेट क्लियर हो गया है आपको ऑलरेडी ही, ये हो गया क्रेडिट साइड, इधर हो गया हमारा डेबिट साइड। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट को दिखाएंगे, प्रॉफिट 15,000, ये क्वेश्चन में प्रॉफिट ही दिया 15,000, तो बाई पीएल अकाउंट का हुआ है क्वेश्चन में प्रॉफिट, ठीक, 15,000 सेम एज इट इज अमाउंट हमने 15,000 को शो कर दिया। अब यहां पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और फुल दिया जाएगा, तो कैलकुलेट करने की कंपेयर करने की जरूरत नहीं, इसी इधर आइए, लिखिए 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी कितना आएगा 16 and 8, तो 16,000 and 8,000 द टोटल इज 24,000, ये हो गया हमारा स्टेप 24,000 का। अब जरा टोटल करिए, तो इधर देखिए 24, इधर देखिए 15, पैसा किधर कम पड़ा, क्रेडिट, और जब क्रेडिट में कम पड़ता है तो लॉस ट्रांसफर लिखते हैं, तो इधर आ जाइए, लिखिए बाई लॉस ट्रांसफर इनटू कहां, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक, किसके किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी कितना ट्रांसफर होगा, तो 24,000 माइनस 15,000 द वैल्यू इज 9,000, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, कैसे पता चला 9,000 तुरंत था, देखिए 24 तक पहुंचना है तो 15 में 5 प्लस किया तो 20 और 20 से 4 पहुंचे तो 24 और 5 प्लस 4 होता है 9,000। अब डिवाइड कर देंगे 9,000, तो कितना इजी है ये देखिए, 3 और 2 है 5, ये नहीं कि अब इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में करना, नहीं, जो रेशियो है उसी रेशियो में करना है, तो 9,000 है, तो ये देखिए यहां पे सबसे पहले 9,000 को सबसे पहले 5 से डिवाइड कर दीजिए जो इनका डिनोमिनेटर मेन है, तो ये हो गया 5 × 5, रिमाइंडर बचा 4, 4 × 0 = 40 और 5 × 8 = 40, ये 0000 आ गया, 18 और 2, ठीक है। अब 18 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे और 18 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, तो 18 × 3 = क्या होता है 54, तो यानी 54,000, ठीक है, ये हो गया, और फिर 18 × 2 = क्या होगा, 18 होता है 36, यानी 3600, ठीक है। तो यानी कि अब देखिए 5 × 8 = 9 हो गया, 9,000 आ गया, ये हो गया हमारा दोनों साइड फिर इक्वल, ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। लेकिन अभी रुकिएगा, कुछ आपको और चीजें बतानी है इसमें, यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो केसेस हैं, ठीक है ना, आप ध्यान से समझिएगा होता क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आपको जैसे कि मिलेंगे, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर आप 36 जब देखिएगा तो उसमें आपको एक साइलेंट का केस मिल जाएगा, लेकिन साइलेंट वाला केस कहा है और उसमें क्या किया क्वेश्चन में, इंटरेस्ट चार्ज भी कर दिया है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, यहां साइलेंट के केस में इंटरेस्ट नहीं दिया था, साइलेंट के केस में इंटरेस्ट देता तो इंटरेस्ट एज अ चार्ज फिर यूज करते हैं। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करिएगा, हम उसको फिर सॉल्यूशन यहां पर
अपलोड कर देंगे। ये हमारा सारा प्रोसेस चल रहा है। अभी इसके बाद हमारे इस चैप्टर में एडजस्टमेंट के भी और भी कुछ टॉपिक हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड है हम उस पर आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमारा चलते चल रहा है क्वेश्चन। इसमें भी कुछ क्वेश्चन अपलोड होते रहेंगे, कुछ सेकंड चैप्टर, अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो सेकंड चैप्टर से रिलेटेड होगा, ताकि हम अपने सारे चैप्टर को कवर कर सके। थोड़ा सा टाइम हम लोग के पास कम है, आप लॉकडाउन में पढ़ते रहिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता आपको तो आप कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा, हर तरह की प्रॉब्लम आपको सॉल्व की जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है जो पेड कोर्स है, आप उसके लिए हमें कॉन्टेक्ट करके सारी डिटेल्स को ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, यहाँ पर सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करिएगा या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप पढ़ाई करते रहिए, लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई का लॉस नहीं होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।